डायरेक्शन कोसाइंस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन में हमें एक्स एक्सेस वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस की डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करनी है तो चलिए इसे फाइंड आउट करते हैं वी नो दैट L टू कॉसल्फा एमजिबल टू बीटा एंड एनिजिबल टू गामा होता है एंड ऑल्सो तीनों एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है तो अब हम एक एक करके तीनों एक्सेस के लिए डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करेंगे क्योंकि एक्स एक्सिस खुद के साथ जीरो डिग्री का एंगल बनाता है और बाकी दोनों एक्सिस के साथ नाइन्टी डिग्री का एंगल बनाता है यानी अल्फा की वैल्यू जीरो डिग्री के इक्वल होगी बीटा की वैल्यू नाइंटी डिग्री के इक्वल होगी एंड गामा की वैल्यू भी नाइन्टी डिग्री के इक्वल होगी अब हम अल्फा बीटा और गामा का कोसाइन लेंगे तो हमें एक्स एक्सिस का डायरेक्शन को साइन मिल जाएगा वन कॉमा जीरो कॉमा जीरो नेक्स्ट हम देखेंगे वाई एक्सिस को y एक्सिस खुद के साथ 0 डिग्री और बाकी दोनों एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है यानी अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री बीटा की वैल्यू 0 डिग्री एंड गामा की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल मिल जाती है जिससे हम y एक्सिस के डायरेक्शन को साइन लिख सकते हैं जीरो इसी प्रकार Z एक्सिस भी खुद के साथ जीरो डिग्री और बाकी दोनों एक्सिस के साथ नाइन्टी डिग्री का एंगल बनाती है जिससे हमें अल्फा की वैल्यू नाइन्टी डिग्री बीटा की वैल्यू नाइन्टी डिग्री एंड गामा की वैल्यू जीरो डिग्री मिलती है और इनका कोसाइन लेने पर हमें Z एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा जीरो कॉमा जीरो वन